आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। तो चलिए चलते हैं ताज़ा खबरों की ओर। गाड़ी में स्क्रैच लगने पर पुलिस ने ड्राइवर और कंडक्टर को उठाया तो हुआ चक्का जाम। प्रयागराज की थाना सिविल लाइन के बस अड्डे पर उस समय बवाल हुआ जब एक प्राइवेट फोर व्हीलर में सरकारी बस छू गई। फिर क्या था, उस प्राइवेट गाड़ी में बैठे पुलिसकर्मियों ने सरकारी बस के ड्राइवर और कंडक्टर को मारा और फिर गाड़ी में लाद ले गए। गया, गाली दिया गया, पकड़ कर ले गया, गया जबरदस्ती ले गए पुलिस अंदर हल करके ड्राइवर को मारे हैं, ले जाकर गाली दी। इस घटना की जानकारी जब रोडवेज यूनियन को हुई तब सभी बस चालक सड़कों पर उतर अपनी बसों को सड़क के बीच खड़ी कर चक्का जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन हाय के नारे लगाने लगे। चक्का जाम की खबर पर पहुंची सिविल लाइंस पुलिस घटना की जानकारी लेते हुए सभी को जाम बहाल करने को कहा। और पैसा मांग रहे हैं, स्कॉर्पियो का है 15,000 रुपये। लेकिन सरकारी बस चालकों ने कहा पहले मेरे दोनों साथियों को लाया जाए तब ये चक्का जाम हटेगा। वहीं रोडवेज स्टाफ ने बताया कि थोड़ा सा गाड़ी में स्क्रैच लगने पर बस ड्राइवर और कंडक्टर उठा ले गए और जब तक दोनों को वापस नहीं लाते तब तक चक्का जाम नहीं हटेगा। फिलहाल थाना सिविल लाइंस और कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच सभी को समझा बुझा कर चक्का जाम को बहाल कराया और पुलिस ने दोनों को वापस लाने का वायदा किया। अरे तुम यार मेरे संगे बैठो, जो मैं चाहती हूँ तो मैं उससे बात करेंगे, दुनिया से बात करेंगे। रोड खाली करो, हटो रोड खाली। चलिए चलिए भैया।